हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बैटल ग्राउंड। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बोट अवांटे 1300D वर्सेस मोटोरोला एमपी साउंड एक्स 150 वॉट 5.1 होम थिएटर के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों यार ये मॉडल भी मेरे पास पड़ा था एंड ये मॉडल भी मेरे पास पड़ा था, सो मैंने सोचा कि यार इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड कर लेते हैं। देखते हैं यार दोस्तों कौन सा मॉडल ज्यादा बेटर है साउंड क्वालिटी में, क्योंकि आप सबको पता है यार कि ये 5.1 चैनल साउंड बार है एंड ये 5.1 होम थिएटर है। सो देखते हैं कि यार साउंड बार ज्यादा बेटर होता है या 5.1 होम थिएटर ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि फीचर्स तो लगभग हमें दोनों मॉडल्स में सेम ही देखने को मिल जाते हैं। सो आज की वीडियो में दोस्तों आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यार साउंड क्वालिटी कौन से मॉडल की ज्यादा बढ़िया हमें मिलती है। दोस्तों अभी मैं वैसे दोनों मॉडल्स का करंट प्राइस आपको बता देता हूं। बोट अवांटे बार 1300D का दोस्तों करंट प्राइस चल रहा है 13,000 रुपीज एंड मोटोरोला एमपी साउंड एक्स 150 वॉट 5.1 होम थिएटर का करंट प्राइस है 11,000 से 12,000 के रेंज में। सो यार प्राइस पॉइंट में हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बट देखेंगे कि यार साउंड क्वालिटी में क्या एक्चुअल में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों यार आप सबको पता है हम साउंडटेक वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। सो मैं दोनों मॉडल्स की आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अनबॉक्सिंग वीडियो को डिटेल पे देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो में हमने इन दोनों मॉडल्स के डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में आपको बताया है। आज की वीडियो में दोस्तों केवल हम साइड बाय साइड साउंड कंपैरिजन करने वाले हैं, सो प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। बाकी दोस्तों यार अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम हिंदी पे साउंड टेस्ट डालते हैं हर मॉडल का। सो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। Divine.
तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों मॉडल्स का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इन दोनों मॉडल्स पर हमें एक्चुअल पे किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आपने ये वीडियो को हेडफोन्स के साथ नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार हेडफोन्स के साथ देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट में पता लग पाएगा कि यार दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी हमें किस तरीके की मिलती है। एंड यार ये चीज़ भी आपके मन में डाउट रहता होगा कि यार 5.1 होम थिएटर ज़्यादा बेटर होता है या 5.1 साउंड बार ज़्यादा बेटर होता है। सो ये चीज़ का भी मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया मिल गया होगा। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दोनों मॉडल्स के टोटल पावर आउटपुट बता देता हूँ। बोट वाले का दोस्तों टोटल पावर आउटपुट है 260 वाट्स आरएमएस का एंड मोटोरोला का है 150 वाट्स आरएमएस का। सर पावर आउटपुट्स के हिसाब से देखें तो यार बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें दोनों मॉडल्स के बीच में देखने को मिलता है, बट दोस्तों साउंड क्वालिटी में ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हाँ डिफरेंस है, ये चीज मैं आपको अब बता देता हूँ कि यार क्या क्या डिफरेंस हमें दोनों मॉडल्स के बीच में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें वोकल्स क्वालिटी की, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की, अगर आप एक बढ़िया क्लियरिटी वाला सिस्टम परचेज करने की सोच रहे हैं जिस पर आपको क्लियरिटी काफ़ी तगड़ी मिलेगी चाहे वो वोकल्स की हो इंस्ट्रूमेंट की हो, तो यहाँ पर आपको बोट वाले को परचेज कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बोट वाले पर हमें क्रिस्टल क्लियर साउंड आउटपुट मिल जाता है एंड डायलॉग्स जो हैं वोकल्स जो है वो चीज़ भी हमें इस पर काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। मोटोरोला की अच्छी है बट यार अगर हम कंपेयर करके देखें तो बोट वहाँ पर क्लियर विनर है। आप मतलब कन्फ्यूज मत करिएगा, सीधे आप बोट वाले को परचेज करिएगा। अब बात करें दोस्तों यार लाउडनेस की, क्या लाउडनेस में कौन सा मॉडल ज्यादा बेस्ट है। वैसे दोस्तों यार बोट वाले का पावर आउटपुट ज्यादा है तो उस हिसाब से मुझे लाउडनेस भी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी है बोट वाले की। अगर आपको मतलब पार्टी के हिसाब से भी परचेस करना है तो डेफिनेटली आप बोट वाले को परचेस कर सकते हैं। इस पर आपको लाउडनेस जो है वो काफ़ी कमाल की मिलेगी अगर आप इसे इंडोर में भी यूज़ करें चाहे आप आउटडोर में यूज़ करें, आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। बट ऐसा नहीं है कि यार मोटोरोला पर हमें कम लाउडनेस मिलेगी, मोटोरोला पर भी लाउडनेस जो है वो काफ़ी कमाल की मिल जाती है। सो आप मोटोरोला को भी परचेस कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करके देखें सो यहाँ पर मुझे बोट वाले की लाउडनेस ज़्यादा बेटर लगी है। अब बात करें दोस्तों यार बेस क्वालिटी की, यार बेस क्वालिटी में
कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर है। वैसे दोस्तों यार बेस क्वालिटी मोटरोला पर भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यार बोट वाला जो है वो काफ़ी बेटर बेस परफॉर्मेंस देता है, ऐसा नहीं है। दोनों मॉडल्स का जो बेस क्वालिटी है वो मुझे बराबर की लगी है। अगर आप बेस क्वालिटी में कोई बढ़िया सिस्टम परचेस करने की सोच रहे हैं तो दोनों ही काफ़ी बेस्ट हैं, आप कोई सा भी परचेस करेंगे आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। बट दोस्तों यार मोटरोला पर हमें एक ड्रॉबैक मिल जाता है, मोटोरोला पर दोस्तों हमें कोई भी डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जो कि यार मेरे हिसाब से थोड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि बोट वाले पर दोस्तों हमें डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। सो बोट वाले को दोस्तों हमने टीवी के साथ भी कनेक्ट करके देखा है, एंड यार जो डॉल्बी ऑडियो का परफॉर्मेंस आता है ना इस पर हमें काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। अगर आपको रियल 5.1 चैनल वाला सराउंड साउंड का इफेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप बोट वाले को परचेस करिए, यहाँ पर तो कोई भी चांस नहीं है कि मोटोरोला इसके सामने टिक पाएगा, क्योंकि इस पर तो हमें ये फीचर ही देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप मूवी वॉचिंग के लिए कोई बढ़िया सिस्टम परचेस करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप बोट वाले को परचेस करिएगा, ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी दोस्तों यार अगर मैं ओवरऑल देखूं आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, सो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बोट वाले को परचेस करना चाहिए, ये आपके लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप म्यूजिक लिसनर हैं तभी भी आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है, अगर आप मूवी वॉचिंग मतलब टीवी के लिए कोई बढ़िया सिस्टम परचेस करने की सोच रहे हैं तभी भी ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर आपको डॉल्बी ऑडियो टेस्ट वाला वीडियो भी देखना होगा, मैंने बोट वाले का दे रखा है, अगर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। सो मेरे हिसाब से बोट वाले को परचेस करिएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इन दोनों मॉडल्स को मैंने खुद परचेस करा है एंड उसके बाद ही मैं टू बी ऑनेस्ट आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। सो यार प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।